यहाँ पर जोन के अंदर नजर आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि टीम को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट जोन जो है अभी भी टीम इंसिन को यहाँ पर फेवर करता हूँ। पुवाली एंड प्रिंस एक ही कंपाउंड में भी नजर आ रहे हैं। एंड लेक्स टर्म की अगर मैं बात करता हूँ, बिल्कुल वो नॉर्थ ईस्ट की साइड से इंटर करेंगे। एंड लेट्स सी, अब इसके बाद मैं बोलता हूँ स्पीरो, इसके बाद ये जो छठा जोन स्टार्ट होगा उसके बाद ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स हमें स्टेक मोड पे नजर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अब सभी एक दूसरे के पास आ चुके हैं। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पे रोटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। सांगवान बिल्कुल ओपन में से यहाँ पे शॉट लेते हुए, अगर यहाँ पे स्पॉट होते हैं जो होंगे तो शायद नॉक भी हो सकते हैं, बट इंसेन के ऊपर अच्छा प्रेशर बना चुके हैं। मीनवाइल टीम तमिल आई थिंक यहाँ पे सेवन पोजीशन पे एलिमेंट होती हुई, एंड आई थिंक टीम एक्स को वहाँ पे वो किल जाता हुआ। बट अभी के लिए बात करें, जोन बहुत छोटा रह चुका है, टीम बिल्कुल तैयार है, एंड सोल सांगवान एक किल अपने नाम करते हुए यहाँ पे। जी, और मॉर्टल ने इंस्टेंटली यहाँ पर देखा कि टीम इंसेन थोड़ा सा वियर सिचुएशन में फंस चुकी है, तो यहाँ पर मौके की बिल्कुल तलाश में आएंगे। एंड शायद प्रिंस अब लास्ट में स्टैंड रहेगा पुवाली, और मुझे लग रहा है कि ज्यादा देर फिर टीम इंसेन अब यहाँ पर शायद नहीं टिक पाए, क्योंकि अब जो टीम का जो एक मैं बोलता हूँ टीम का एक पावर होता है टीम के साथ रहने का, वो अब शायद यहाँ पर वो वाले अब गवा चुके हैं। लास्ट मैन स्टैंड है, 5 किल इंस्टेंटली उन्होंने निकाले जरूर है, लेकिन अभी अगर होल्ड कर देते हैं तो एटलीस्ट टॉप 5 तक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होल्ड करने दिया रेगल टॉस ने इंस्टेंटली एक कमाल का एक नेट फेंका है। एंड मॉर्टल लेट्स सी अभी भी यहाँ पर फाइट एंगेज करते हुए नजर आ सकते हैं हमें अगेंस्ट टीम एक्स पाक, तो लेट्स सी क्या यहाँ पर सिचुएशन अभी होती है। 420 की बात करता हूँ नेक्स्ट टाइम के भीष्म बिल्कुल के जस्ट पास में, दोनों की एचपी काफी कम डाउन है, इसी वजह से शायद यहाँ पर फाइट ली नहीं गई यहाँ पर स्पीरो। एब्सोल्युटली आईएनडी 420 ओपी लास्ट प्लेयर बिल्कुल सामने, थोड़ा सा पहले हील किया, थोड़ा सा पहले सही डिसीजन, सही टाइम पे आप सही डिसीजन लेते हैं तो आप जीत के जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आईएनडी 420 ओपी लिट है और बहुत जल्दी उनकी हेल्प जा रही है, बचना बहुत मुश्किल, इसी के साथ नॉक कर दिए जाएंगे। टीम एक्स पाक एक और प्लेयर इंक्रीज करते हुए 6 किल्स पॉइंट यहाँ पर निकाल चुके, अगर यहाँ पर 3 किल्स अपने नाम करती तो टोटल 7 किल के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेगी। लेट्स सी यहाँ पर सामने की तरफ देखो तो लेक्स टर्म की अगर बात करें तो देख सकते हैं अब पूरा जैसे स्पीड होता है ना कि हम कितना दूर कौन फेंकेगा, तो वो चीज अब यहाँ पर नजर आ सकती है। टीम सोल लेट्स सी कौन कितनी दूर यहाँ पर नेट फेंकता है, क्योंकि सिचुएशन अभी यहाँ पर टीम सोल के अंडर आ चुकी है, उनको पता है एग्जैक्ट लोकेशन लेक्स टर्म की, और कभी भी यहाँ पर हो सकता है लेक्स टर्म हमें एग्जिट देखने को मिल जाए। बट लेट्स सी लेक्स टर्म अभी भी होप नहीं हारेगा, बट सिचुएशन ऐसी है स्पीरो ओपन में जब भी सिचुएशन ऐसी ऐसा चीज रहता है, ऐसा सिनेरियो रहता है, तो सामने वाली टीम ही मोस्टली अगर देखा जाता है तो वही फंसती हुई नजर आती है हमें। बिल्कुल आई थिंक सोल के पास है जोन और शानदार मॉर्टल द मैन विद द गोल्डन आर्म एक शानदार नॉक करके निकालते हैं। अभी के लिए सिरिंज यहाँ पे बचे हुए हैं, ये फाइट भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी सिरिंज और सोल के बीच में। देखते हैं यहाँ पे गाड़ी पगी बिल्कुल लेफ्ट से जाती हुई सामने सोल के वाइपर आते हुए नॉक कर दिए जाएंगे। 2v3 है अभी भी, इतना आसान नहीं होगा ये मैच खत्म करना। मॉर्टल आते हैं, मॉर्टल नॉक करते हैं, इसी के साथ सोल यहाँ पे मेरे ख्याल से एक चिकन के काफी करीब पहुंच चुकी है। बट स्टिल अभी भी लेक्स टर्म यहाँ पर होप नहीं हार रही है, 34 मीटर उनको जोन के अंदर जाना है, ट्राई जरूर करेंगे, बट अब जैसा बोला था गाइस पकड़ में है ये मैच टीम सोल की, और ये गाइस यहाँ पर 9 किल के साथ आ चुकी है अपना बिना बिना चिकन डिनर हमारे D2 के फाइनल्स का। तरफ देखो तो टीम सोल बिल्कुल अच्छा जोन है, शायद यहाँ पर मुझे लग रहा है टीम सोल भी अभी जोन के अंदर नजर नहीं आ रही स्पीरो। सोल तो जोन के अंदर नहीं है, बट उनके जो अपोनेंट्स है ना वो भी जोन के अंदर नहीं है, और मेहम यहाँ पे रोटेट करता है, रेगल टॉस एक किल निकालते हैं यहाँ पे, गाड़ी में से गिरा दिया जाएगा, ये टाइम है चिकन निकालने का, ये टाइम है विजेता घोषित करने का। एंड टीम सोल यहाँ पे अपना कंपाउंड बेहतरीन तरीके से डिफेंड करते हुए, एंड इनसेन एकम भी खत्म हो सकती है सोल की। सोल के फैंस यहाँ पे जो आए हैं आई थिंक उनको अब थोड़ा सा खुशी मिलेगी, क्योंकि इनसेन लास्ट डेट बचा है, बट 7 किल यहाँ पे और ज्यादा किल अगर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर पोजिशन में जाएंगे। सोल के रेगल टॉस भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, इंसेन की टीम भी एक एक करके खत्म होती हुई, टीम एक्स पार्क भी एक चिकन की तरफ आगे बढ़ रही है। ये मैच अब आई थिंक एक लेजेंडरी फाइट में कन्वर्ट हो चुका है। जी हाँ, साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगा स्प्रे गॉड की तरफ से वो काफी स्मार्ट डिसीजन था, क्योंकि उनको पता था कि जो बाकी प्लेयर्स उनके पास वैकिल नहीं है, और स्प्रे गॉड सही वक्त पे यहाँ पर चले गए आगे की तरफ, उन्होंने देखा यार अगर अब वो नहीं जाते तो हो सकता था यहाँ पर टीम एलिमिनेट भी हो सकती थी, तो अभी मौका है उनके पास, एक फर्स्ट एड किट बेशक यहाँ पर बच रखे, और एज ऑफ द जोन स्पीरो अगर आप देखेंगे अभी भी एज ऑफ द जोन है, तो शायद यहाँ से मूवमेंट लेने की कोई जरूरत भी नहीं है, अगर मूवमेंट लेगी तो वो लेगी यहाँ पर आपके सामने 7 और 8 की टीम, और शायद अगर वो फाइट होती है तो मे भी शायद टीम इंसेन को और भी प्लेसमेंट पॉइंट अर्न करते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर वहां पर यूएस के आईएनएस के नूब यहाँ पर स्प्रे गॉड के ऊपर शॉट लेते हुए रेगल टॉस को इसी बीच यहाँ पर नॉकआउट कर दिया गया है। एंड होपफुली यहाँ पर भाई बहुत यार मतलब बोलते स्पीरो ये जो फाइट है और भी इंटरेस्टिंग धीरे धीरे बनने में लगी पड़ी है। अभी भी इंसेन एकम के आखिरी प्लेयर बचे हैं 7 किल के साथ, अगर सोल उनसे पहले एलिमिनेट होता है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आई कांट होल्ड इट, द एक्साइटमेंट इज गोइंग अबव मी, गूज़पम्प सिचुएशन जो कहते हैं ना वो चल रही है, और एक और नॉक इंसेन स्प्रे गॉड, एक और नॉक, क्या दिए है नील इन द फाइनल कॉफिन।
जी मतलब लास्ट मतलब ये एक मैं बोलना चाहूंगा कि रीम इनसेन के स्प्रे गॉड को वैसे मैं बोलना चाहूंगा स्पिरो वैसे अपनी लोकेशन रिवील नहीं करनी चाहिए, स्टिल वो फाइट ले रहे हैं, तो ये एक मैं बोलता हूँ काफी रिस्की मूव बन रहा है उनकी तरफ से। बट एक नेड करके नॉक करा है, पोजीशन आई थिंक रिवील नहीं करी उन्होंने यहाँ पे, और एक और नेड यहाँ पे को करते हुए क्या सोल यहाँ पे बच पाएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा सोल के ऊपर, प्रेशर बहुत ज्यादा इनसेन के ऊपर, बट अभी के लिए जो बाकी टीम्स है बिल्कुल यहाँ पे जीतते हुए नजर आ सकती है। वहां पर लेट्स सी टॉप तीन टीम्स अब यहाँ पर बन चुके हैं। एक्सपा की तरफ से देखो तो डेस्ट्रो इज द लास्ट मैन स्टैंड, फाइनल टू टीम्स तरफ से देखा तो यहाँ पर अब फाइनल टू टीम्स जो हमारे टॉप कंटेंडर्स चल रही थी। बट स्पीरो मुझे जो एक डाउट लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी टीम इनसेन मैं बोलना चाहूंगा पहले से ही शायद सोल से ऊपर चल रही थी, तो शायद उसका बेनिफिट ना मिल जाए लास्ट में, गेम्सो चीज देखनी पड़ेगी। गेम्सो आई हैव टू से आई हैव टू कट यू, आई एम रियली सॉरी, बट जो जीतेगा अमेरिका से टूर्नामेंट जीतेगा, इट्स वन वर्सेस वन, इनसेन स्प्रे गॉड वर्सेस सोल मॉर्टल, द सोल द लेजेंड मॉर्टल, वन वर्सेस वन की ये फाइट है, जो जीतेगा बाजी उसकी। आप टूर्नामेंट से पहले कहते हो यार 1v1 खिला देते हैं, जो जीतेगा वो जीतेगा, कोई नहीं मानेगा, बट यहां पे आ चुका है फाइनल प्राइम अल्टीमेट स्टार अप थर्सी स्पोर्ट्स प्रेजेंट सोल मॉर्टल वर्सेस इनसेन आई कम स्प्रे गॉड फाइनल ऑफ द फाइनल यहां पे आपकी आंखों के सामने। बट स्पीरो मैं बोलना चाहूंगा आपको कि एक एडवांटेज उनके पास है 10 किल्स का, तो आप देख सकते हैं टीम सोल के पास वहां पर एक किल है और वहां पर टीम इनसेन के पास 10 किल्स है, तो वो चीज भी मैटर कर सकती है अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि अगर ओके यहां पर व्हाट इज गोइंग ऑन। जी नहीं गाइस यहाँ पर टीम सोल की आई गेस लेके जा सकते हैं, स्प्रे गॉड स्टिल यहाँ पर सर्वाइव करके उनके पास स्पीरो मैं बोलना चाहूंगा एक भी फर्स्ट एड किट नहीं बची। अब गेम जो स्टन ग्रेनेड यहाँ पे मॉर्टल आईक्यू दिखाते हो, स्टन ग्रेनेड से एक गोली और एक गोली अगर निकालते हैं निकाल सकते हैं स्प्रे गॉड, हु वन द मैच, सोल मॉर्टल विद द किल एंड सोल मॉर्टल विद द विन। इस सिचुएशन में जब आप 1v1 खेल रहे हैं सामने आपके अपोनेंट है, एक स्टन ग्रेनेड करने की कैपेबिलिटी एक एक्सपीरियंस प्लेयर ही कर सकता है वहां पे। आई थिंक अगर मैं होता वहां पे आई डोंट थिंक कि मैं स्टन ग्रेनेड करता गेम सो, एंड सोल मॉर्टल अपनी टीम के लिए चिकन निकालते हैं, सोल मॉर्टल अपनी टीम के लिए टूर्नामेंट निकालते हैं, एंड आई थिंक यस सोल इज गोइंग टू विन, बट स्टिल ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए आपको There can only be one winner.